हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास सिक्स हिंदी फर्स्ट चैप्टर सिक्स लेक्चर। चलिए बेटा चैप्टर शुरू करते हैं। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द कविता में से चुनकर आपको लिखना है। इसमें ये जो शब्द कविता में आए हैं इसी के आधार पर आपको समान अर्थ वाले शब्द लिखना है। जैसे नफरत, तो नफरत का यहाँ पर ग्रड़ा फिल कीजिए। धारा, धारा का अर्थ होता है प्रवाह, बहना, यहाँ पे प्रवाह फिल करना है। गलत आचार विचार क्या होता है? भ्रष्टाचार। तो ये कविता में ये सारे शब्द आए हुए हैं तो इसलिए आपको इसमें फिल करना है, तो भ्रष्टाचार फिल कीजिए इसमें। लगाम क्या होती है? लगाम होती है बागडोर, यहाँ पे बागडोर फिल कीजिए। बुरी स्थिति, जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं, बुरी स्थिति है, तो यहाँ पर कुरीतियाँ फिल कीजिए। बर्फ से ढकी चोटी, ये किसको कहते हैं बेटा? हिमगिरी, यहाँ पे हिमगिरी फिल करना है। अनुपजाऊ भूमि जो होती है उसको बेटा हम क्या कहते हैं? बंजर कहते हैं, तो यहाँ पे आपको बंजर फिल करना है। अब किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द विलोम कहलाता है, तो इसमें आपको विलोम से मैच करना है। दिए गए शब्दों को उनके विलोम से मिलाइए। घृणा को प्रेम से मैच कीजिए और पुरानी को बेटा नई से मैच करना है। ऊंचा का विलोम है नीचा, तो इसको नीचा से मैच कीजिए और बंजर को उपजाऊ से मैच कीजिए। कल को आज से मैच कीजिए। और ये आपका होमवर्क है, ये सारा सारी एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करनी है। और ये होमवर्क में ये भी जातिवाचक संज्ञा शब्द ढूंढकर इसमें से चैप्टर से इसमें लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है, ये भी आपको बुक में ही फिल करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।